हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी के पकोड़े। फ्रेंड्स, बारिश का मौसम हो रहा है तो बारिश के मौसम में लौकी के पकोड़े बहुत ही अच्छे लगते हैं और यह हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छे होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल का आइकन ज़रूर दबाइए। लौकी के पकौड़े बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा एक लौकी। आप चाहें तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से दो या तीन लौकी भी ले सकते हैं। इसके बाद लौकी को अच्छे से छील कर हमें घिया कस कर लेना है। फ्रेंड्स, आप फोटो में देख सकते हैं मैंने कैसे घिया कस कर रखा है लौकी को। अब हम पकौड़े का बैटर बनाएंगे। उससे पहले हम तेल गर्म करना रख देते हैं जिससे कि टाइम बच जाए। मैंने तेल गर्म करना रख दिया है। अब मैं घिये के इसी प्लेट में थोड़ा सा बेसन डालूँगी। हम इसमें डालेंगे नमक, काली मिर्च कुटी हुई, लाल मिर्च, हल्दी और धनिया साबुत। इसके अलावा आपको कोई और मसाला पसंद है आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद यह कुछ ऐसा दिखेगा बैटर। तो अब देखते हैं, हमारा तेल गर्म हो गया है। अब इसमें हम पकौड़े डाल लेते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने छोटे छोटे इसमें बॉल्स बनाकर डाल दिए हैं तेल में। अब हम इसको धीरे धीरे पलट लेते हैं क्योंकि ये नीचे से बन गया है। अब इसको दूसरी साइड से बनाना होगा। आप देख सकते हैं धीरे धीरे ये ब्राउन होता जा रहा है, यानी कि रेडी होता जा रहा है। अब जो रेडी हो रहा है मैं उसको निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। फ्रेंड्स, घी के पकौड़े बनकर तैयार हैं। देखिए ये कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। तो फ्रेंड्स, आप इसे चाय के साथ, रेड सॉस के साथ इसका सेवन कर सकते हैं। मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।